जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में तो आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें रोज अपनी एक क्लास होती है सुबह नौ बजे हिंदी साहित्य की तो चलिए स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर पूछे गए हैं सभी लोग जुड़ जाइएगा इस क्लास से जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं सभी लोग आ जाइएगा आज का अपने यहाँ पर एक से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि देश भाषा में लिखी प्रथम रचना विद्यापति की पदावली है अतः हिंदी का प्रथम कवि विद्यापति की पदावली को ही माना जाना चाहिए ये कथन किसका है बताइए ये।, ये कथन आपके लिए बताने और जो विद्यापति हैं इनको मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है कई बार पूछा जाता है कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है तो विद्यापति को कहा जाता है और ये जो कथन दिया गया है ये कथन माना जाता है डॉक्टर बच्चन सिंह का विकल्प नंबर एक जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए चयन क्या है उनका सही आंसर है अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर दो पूछा गया है दोहा कोश की भाषा परिनिष्ठित अपभ्रंश है चर्यापद की भाषा अभट्ट या देश भाषा के मिश्रण से युक्त है ये कथन किसका माना जाता है महत्वपूर्ण कथन आपसे यहां पर पूछे जा रहे हैं किनके कथन माने जाते हैं ये आपके लिए चयन करना है बताइए एक सौ त्रेपन में आपके लिए चयन करना है क्या होगा सही आंसर बताइए रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं डॉक्टर बच्चन से हैं डॉक्टर नगेंद्र हैं या आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं तो एक में आप सभी का सही आंसर है ये कथन भी इनका माना जाता है डॉक्टर बच्चन से जो है इनका यही कथन माना जाता है विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर दो आपका सही आंसर है अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ आप पर चंगन पूछा गया है विद्यापति का प्रेम ना तो रोमांटिकों की तरह भाई है और ना ही भक्तों की तरह दिव्य है मानते हैं अह कौन मानते हैं बताइए विद्यापति जो है विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है और विद्यापति पदावली इनकी महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है और क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर एक पूछा गया है ये कथन आपसे पूछा है किनका माना जाता है तो ये कथन भी किनका माना जाता है बच्चन सिंह का ये कथन भी बच्चन सिंह का माना जाता है तो विकल्प नंबर डी वाला जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर चार आपका यहाँ पर सही आंसर है अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपसे पर पचपन पूछा गया है कि किसो वि चतुर्थ का नहीं तृतीय का हो सकता है कथन किसका माना जाता है और आपके लिए साथ में ये भी बताना जो विशल देव रासो ग्रंथ है ये ग्रंथ किन का माना जाता है इसकी रचयेता कौन माने जाते हैं विशल देव रासो ग्रंथ की रचयता कौन माने जाते हैं और सो विग्रह राज चतुर्थ का नहीं तृतीय का हो सकता है ये कथन तो माना जाता है किनका तो यहाँ पर भी आपका विकल्प नंबर डी जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर चार आपका यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल सही विकल्प नंबर जो डी है वह आप सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है यहाँ पर पचपन में अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेगा क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा यहाँ पर छप्पनवा क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम श्रेष्ठा थे ये कथन किसका माना जाता है क्वेश्चन नंबर छप्पन में आपसे पूछा गया महत्वपूर्ण कथन यहाँ पर दिए गए हिंदी साहित्य में और पंक्तियाँ भी आपके लिए आगे चलकर मिलेंगी पंक्तियाँ और महत्वपूर्ण प्रश्न भी मिलेंगे तो यहाँ पर आपके लिए बताइएगा ये भारत तेंदू का कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है राहुल चांद कृत्यन का कथन है या फिर धीरेन्द्र वर्मा का कथन है भारतेंदु जी, जी जो है इनका जन्म 1850 में हुआ था इनका जन्म पूछा जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था और इनका निधन जो है अठारह में हो गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का और ये जो कथन है राहुल शांक्रित्यन जो है उन्हीं का ये कथन माना जाता है विकल्प नंबर सी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा राहुल शांकृत्यन अगला क्वेश्चन देखिएगा संतावनवा क्वेश्चन पूछा क्या एक सौ संतावन है जैन साहित्य का सबसे लोकप्रिय रूप कौन सा माना जाता है बताइए जैन साहित्य का पूछा है जैन साहित्य का सबसे लोकप्रिय रूप है, जो माना जाता है वह कौन सा माना जाता है ये आपको चयन करना है चार विकल्प आपके दिए गए हैं और वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक अवश्य करते जाइएगा और आप सभी का सही आंसर आ रहा है यहाँ पर रास होगा सही आंसर विकल्प नंबर जो सी है रास वह आपका यहां पर सही आंसर है रास होगा सही आंसर जैन साहित्य का सबसे लोकप्रिय रूप पूछा गया था तो सी वाला विकल्प आपका यहां पर सही आंसर होगा अगला क्वेश्चन यहां पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपसे यहां पर पूछा गया कि अप्रंश के किस किस जैन कवि को कहा जाता है वह जैन कवि है कौन से वह जैन कवि है जिनको अपभ्रंश का बाल्मीकि के नाम से जाना जाता है सन धनपाल है स्वयंभू हैं हेमचंद्र है, है पुष्पदंत हैं ये क्वेश्चन अपन ने कई बार पढ़ा है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि अपभ्रंश का बाल्मीकि कहा जाता है किन के लिए विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा स्वयंभू को कहा जाता है विकल्प नंबर दो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल सही विकल्प नंबर दो है आपका सही आंसर स्वयंभू जी जो है इनको अप्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है जैन कवि माने जाते हैं कौन स्वयंभू अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर उनसठ यहाँ पर पूछा गया है कि डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम कृति किसे माना है डॉक्टर नगेंद्र जो हैं इन्होंने हिंदी की प्रथम रचना माना है पयुमचरू को श्राविकाचार्य को या फिर भरतेश्वर बाहुबली रास को या फिर पृथ्वीराज रासो को एक सौ क्वेश्चन यहाँ पर पूछा क्या है साथ में आपके लिए जो है उन, उसकी रचनाकार भी बताना उसकी रचनाकार कौन मानी जाते हैं बताइए एक सौ क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और एक में आपको चयन करना डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम कृति माना है श्राविकाचार्य को विकल्प नंबर बी जो है वह आपका सही आंसर होगा श्राविकाचार अब आपके लिए बताने जो श्राविकाचार्य जो रचना है ये रचना किन की मानी जाती है महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है और जो डॉक्टर नगेंद्र हैं इन्होंने हिंदी की प्रथम रचना माना है इसके लिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर साठ क्या पूछा गया है साठवा क्वेश्चन है कि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बढ़तवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं में सबसे अधिक प्रमाणित किसे माना है तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने प्रमाणित माना है अर्ध प्रमाणिक माना है अप्रमाणिक माना है तो यहाँ पर आपसे प्रमाणित पूछा है और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने गोरखनाथ की रचना बताना है 160 में आपके लिए चयन करना है तो 160 का आपका सही आंसर है पद हैं बार प्राण सांकली सब्धि तो दीपक जी कंचन जी कल्पना जी <coughs> साठ में आप सभी का सही आंसर क्या होगा ये चयन करना है तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 160 में डी वाला सब आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर चार होगा आपका सही आंसर विकल्प नंबर चार आपका यहाँ पर सही आंसर होगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेगा क्वेश्चन नंबर सठ आपसे यहाँ पर पूछा है गोरखनाथ गुरक, का समय पृथ्वीराज के आसपास किसने माना है बताइए एक सौ एकसठ में आपको चयन करना है गोरखनाथ का समय पृथ्वीराज के आसपास किसने माना है <laughs> तो आप सभी का यहाँ पर एक सौ इकसठ में सही आंसर आ रहा है क्या रहा है सही आंसर एक सौ इकसठ में विकल्प नंबर आपका डी सही आंसरों का आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर चार आपका यहाँ पर सही आंसरों का बहुत बढ़िया बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है संजू जी सोनी जी यहाँ पर चार होगा आपका सही आंसर रामचंद्र शुक्ल जी गोरखनाथ का समय पृथ्वीराज के आसपास मानते हैं रामचंद्र शुक्ल जी अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेगा क्वेश्चन नंबर एक सौ बासठ आपसे पूछा गया है कि आबदू रहिया हा, हाटे बाटे रूप ग्रस्त की छाया ये पंक्ति किन की मानी जाती है एक सौ बासठ में चयन करना है बताइएगा कबीर की पंक्ति है मच्छेन्द्र नाथ की पंक्ति है गोरखनाथ की पंक्ति है कबीर की पंक्ति है ये कबीर कबीर पर दो बार ये विकल्प में आ गए कबीर राज जी तो एक विकल्प यहाँ पर काट देते हैं विकल्प नंबर डी तो अब बचे तीन विकल्प तीन विकल्प अब रहिया हाटे बाटे रूप ब्रश की छाया ये पंक्ति मानी जाती है गोरखनाथ की क्योंकि गोरखनाथ आपका विकल्प नंबर जो सी है वह आप सभी <coughs> सभी का सही आंसर है बिल्कुल सही अंश जी अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर तिरसठ पूछा है कि नाथ साहित्य के सर्वाधिक समर्थ और लोकप्रिय हठ योगी थे कौन थे एक में आपको चयन करना है चौरंगी नाथ थे गोरखनाथ थे मच्छेन्द्र नाथ थे चौड़कर नाथ थे एक में <थे> आपको चयन करना है नाथ साहित्य के सर्वाधिक समर्थ और लोकप्रिय हठ कौन थे ये आपसे पूछा क्या है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है तो थे एक में गोरखनाथ आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर बी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा गोरखनाथ आपका सही आंसर है बिल्कुल सही अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा हाँ बिल्कुल सही नीतू जी अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा चौसठवा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार बताना विशल देव रासो है पृथ्वीराज रासो है परमाल रासो है है मनोज यादव जी बताइएगा क्या होगा सही आंसर चयन कीजिएगा रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य बताना है कौन सा माना जाता है महाकाव्य पूछा है तो वह माना जाता है पृथ्वीराज रासो विकल्प नंबर आपका जो बी वाला विकल्प है बी वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है पृथ्वीराज रासो जो है रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा है एक सौ पैंसठवा क्वेश्चन है कायम खा रासो के रचनाकार कौन माने जाते हैं जगनिक हैं जानकवि हैं जनक कवि हैं या फिर जोधराज हैं क्वेश्चन महत्वपूर्ण है एक सौ पैंसठ आपसे यहाँ पर पूछा गया है सभी लोगों के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया दीपक जी अपर्णा जी और एक सौ पैंसठ में आप सभी का सही आंसर आ रहा है जानकवि जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा जानकवि सही आंसर है अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर एक सौ छियासठ पूछा क्या है क्या पूछा है कि कैमाश बद प्रसंग जो है किस रासो ग्रंथ के अंतर्गत आता है भाई रासो ग्रंथ आपके लिए बताने परमाल राशु है अमीर राशु है विशल देव राशु है पृथ्वी राज राशु है बताइए क्वेश्चन नंबर 66 में आपके लिए चयन करना है 66 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर कैमाश बद प्रसंग किस राशु ग्रंथ के अंतर्गत आता है <laughs> और 166 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है ये आता है पृथ्वीराज राशु के अंतर्गत विकल्प नंबर आपका जो डी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर चार आप सभी लोगों का यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल सही बहुत बढ़िया सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है अगला क्वेश्चन पूछा है कि नरपति नाल्यकृत बीसल देव राशो में कितने छंद हैं छंद आपसे पूछा गया एक सौ पच्चीस है एक सौ बीस एक सौ तेईस या फिर दो सौ छंद हैं बताइए चयन कीजिएगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है नरपति नाल्यकृत बीसलदेव रासों में कितने छंद हैं ये पूछा गया है छंद बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर किया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है एक सौ सड़सठ में 125 एक सौ पच्चीस एक सौ पच्चीस छंद माने जाते हैं नरपति नाल्यकृत बीसलदेव रासों में सबसे पहले तो यही पूछा जाता है बीसलदेव के रचयिता कौन माने जाते हैं नरपति नाल्य माने जाते हैं एक सौ पच्चीस इसमें छंद है क्वेश्चन नंबर आपसे यहां पर एक पूछा गया है हिंदी साहित्य इतिहास में दोहरे नामकरण का प्रारंभ किसने किया है <coughs> <coughs> बताइए मिस्टर बंधु ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल डॉक्टर नगेंद्र या फिर जॉर्ज गिरीशन क्वेश्चन महत्वपूर्ण है अड़सठवा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है में आप सभी का सही आंसर होगा हिंदी साहित्य इतिहास में दोहरी नामकरण का प्रारंभ किया है किन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपका बी वाला जो विकल्प है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा बिल्कुल सही अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेगा क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर एक क्या पूछा गया है यहाँ पर दिया गया है एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि विशल देव रासू को वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक किसने माना है बताइए रासो को वीर गीत के रूप में बताना है बताइए का सबसे पुरानी पुस्तक किसने माना है आचार्य शुक्ल ने रामकुमार वर्मा ने नरपति नाल ने इनमें से कोई नहीं एक सौ आपका उनहत्तरवा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और एक सौ उनहत्तर में आप सभी का क्या होगा सही आंसर चयन कीजिएगा ऋषल देव रासो को वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक किसने माना है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है विकल्प नंबर एक सोनैना जी सोनिका जी ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा अगला क्वेश्चन देखेगा क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 170 पूछा क्या है दिंगल भाषा का संबंध डगल से जोड़ने वाले विद्वान हैं वह विद्यवान आपके लिए बताने एक सौ सत्तर में कौन से वह विद्यमान है डॉक्टर हैं या फिर गजराज ओझा हैं हरप्रसाद शास्त्री हैं पुरुषोत्तम दास टंडन है तो आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर एक सौ एक सौ क्वेश्चन यहाँ पर पूछा क्या है एक सौ सत्तर में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्या होगा सही आंसर तो हर प्रसाद शास्त्री आपका यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा सी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेगा क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा इकहत्तरवा क्वेश्चन है कि निम्न में से डिंगल भाषा में रचित रासो काव्य कौन सा माना जाता है हमीर रासु है रेवंत गिरी रास है परमल रासु है या फिर विजयपाल रासू है बताइए एक सौ इकहत्तर में आपके लिए चयन करना है डेंगल भाषा में रचित राशो सा माना जाता है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है एक सौ इकहत्तर में बी वाला विकल्प मनीषा सीबी जी सही आंसरों का रेवंत गिरी रास आपका सही आंसर है रेवंत गिरी रास जिन्होंने विकल्प नंबर दो बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा बी वाला विकल्प पारूसी जी बिल्कुल सही अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा क्या है एक सौ बहत्तरवा क्वेश्चन कौन सा उपनाम विद्यापति का नहीं है नहीं है बताना है मैथिली मैथिली कोकिल नहीं मैथिल कोकिल होगा यहाँ पर मैथिल कोकिल कविशेखर राजशेखर या फिर अभिनव जयदेव बताइए कौन सा ना उपनाम जो है विद्यापति का नहीं है पूछा है आपसे नहीं मैं बताना है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि इनको मैथिल कोकेल के नाम से जाना जाता है कभी शेखर के नाम से जाना जाता है अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है राजशेखर के नाम से नहीं जाना जाता है डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी वाला होगा सॉरी सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है राजशेखर के नाम से इनको नहीं जाना जाता है क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर तेतर पूछा है निराला ने विद्यापति की पदावली को कहा है सागर की लहर कहा है पानी की लहर कहा है उमंगों की लहर कहा है या फिर नागिन की लहर कहा है बताइए विद्या प... जो निराला ने विद्यापति की जो पदावली है इसको क्या कहा है क्वेश्चन नंबर एक सौ आपसे पूछा गया है तो एक में आप सभी का सही आंसर है कि नागिन की लहर कहा है क्या कहा है नागिन <laughs> नागिन की लहर कहाँ है डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर चार आपका यहाँ पर सही आंसर है अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेगा क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है एक सौ चौहत्तरवा क्वेश्चन है शुक्ल अनुसार पृथ्वीराज रासोभ में कुल कितने समय है समय पूछा गया है बताइएगा उनहत्तर समय है अड़सठ समय है सड़सठ समय है सत्तर समय है, 70 समय है. शुक्ल अनुसार बता रहे पृथ्वीराज राशु में कुल कितने समय है एक सौ चौहत्तर में आप सभी लोग चयन कीजिएगा स्टेटस वाई आर आर जी वंदना जी और साधना जी हेमलता जी आप सभी का सही आंसर है उनहत्तर यहाँ पर विकल्प नंबर ए वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कितने समय है समय है शुक्ल जी के अनुसार किसमें पृथ्वीराज रासो में नरोत्तम दास स्वामी ने पृथ्वीराज रासो को किस प्रकार का काव्य माना है यानी कि काव्य, काव्य, प्रबंध का का या फिर महाकाव्य माना है ज्योति कुमारी जी बताइएगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पचहत्तरवा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है पचहत्तर में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि इन्होंने <laughs> माना है क्या माना है मुक्तक काव्य माना है जो पृथ्वीराज रासू है इसको नरोत्तम दास ने क्या माना है मुक्तक काव्य माना है, का है? विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आपका यहां पर सही आंसर होगा बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेगा क्वेश्चन नंबर आपसे पर पूछा क्या है।, का का तो ने ने है इसको मुक्तक काव्य माना है तो बच्चन अनुसार पृथ्वीराज रासो क्या मुक्तक काव्य है धीति काव्य का प्रबंध काव्य है या फिर राजनीतिक महाकाव्य है क्वेश्चन महत्वपूर्ण एक में आप सभी के लिए चयन करना एक का सही आंसर होगा हाँ दीपक जी अभी देख लेंगे उस क्वेश्चन को अपन तो यहां पर जो है राजनीतिक महाकाव्य माना है राजनीतिक महाकाव्य आपका सही आंसर है डी वाला जो विकल्प है वह आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर चार जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है जय मयंक जस चंद्रिका की रचनाकार कौन मानी जाती हैं जय मयंक जस चंद्रिका की रचयता मानी जाती हैं भट्ट केदार मधुकर कभी अमीर खुसरू या फिर कुशल लाभ कुशल राय है यहां पर जय मह जस चंद्रिका की रचयिता बताने रचनाकार बताने कौन माने जाते हैं प्रमोद जी तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 177 में आप सभी का सही आंसर होगा क्या होगा सही आंसर सरोज जी विकल्प नंबर बी आपका यहां पर सही आंसर है मधुकर कवि जो है मधुकर कवि की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध रचना मानी जाती है जय मैं जश का तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया आपसे एक सौ अठहत्तरवा क्वेश्चन है जज्जल को हमीर रासो का एक पात्र किसने माना है बताइए जज्जल को जज्जल जो है इनको अमीर रासो का एक पात्र माना है विद्यापति ने या माता प्रसाद गुप्त ने जय चंद्र सूरी ने आचार्य शुक्ल जी ने सभी लोग शेयर करते जाइएगा वीडियो को लाइक भी करते जाना है सभी के लिए जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाई कवश से कर लेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है एक सौ क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और एक में आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपका सही आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है इन्होंने जज्जल को हमी रासू का एक पात्र माना है पात्र है। तो किन्ने माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया राजन जी देखिएगा क्वेश्चन नंबर एक है विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देशी भाषा कहा है यह कथन किसका है महत्वपूर्ण कथन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर एक आप सभी का क्या आ रहा है बोलचाल की भाषा को देशी भाषा कहा है ये कथन माना जाता है किनका शुक्ल जी का यह कथन माना जाता है विकल्प नंबर आपका जो डी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा डी आपका यहाँ पर सही आंसर है सरिता जी अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 180 पूछा गया है जैनाचार्य मेरुतुंग का ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि एक संस्कृत ग्रंथ है ये कथन किसका माना जाता है बताइए ये।, ये कथन माना जाता है किनका चयन कीजिएगा आचार्य शुक्ल रामकुमार वर्मा गणपति चंद्रगुप्त या फिर डॉक्टर नगेंद्र का कथन है तो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सभी लोगों का सही आंसर आ रहा है अस्सी में का जैन आचार्य मेरुतुंग ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि जैन आचार्य माने जाते हैं ग्रंथ है प्रबंध चिंतामणि एक संस्कृत ग्रंथ है ये कथन माना आचार्य शुक्ल जी का विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए जिन्होंने भी बताया है आचार्य शुक्ल उनका यहाँ पर सही आंसर होगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर एक है हिंदी साहित्य के आदिकाल का समय महाराज भोज के समय से हमीर देव के समय तक का किसने माना है? बताइए हिंदी साहित्य के आदिकाल का समय महाराज भोज के समय से हमीर देव के समय तक किसने माना है ये आपके लिए बताना है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है एक सौ में विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो जी है वह आपका यहाँ पर सही आंसर है डा जो रामचंद्र शुक्ल हैं इन्होंने माना है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर चार जो है वह आप सभी का सही आंसर है जो कि सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताया जो कभी रूढ़ा है रूढ़ा कभी किस सती के कभी माने जाते हैं ये आपको बताना है आठवीं सती दसवीं सती बारहवीं सती चौदहवीं सती बताइए किस सती के कभी माने जाते हैं एक सौ बयासी तो में आपको चयन करना एक सौ बयासी का सही आंसर क्या होगा चयन कीजिए रोडा कवि है ये माने जाते हैं किस सती के कवि दसवीं सती आपका यहाँ पर विकल्प नंबर जो बी है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर दो आप सभी का सही आंसर है बिल्कुल सही आंसर जिन्होंने भी बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा रोडा कवि के सती के कवि हैं। तो आप सभी का यहाँ पर भी जो है भाई आपका सही आंसर होगा अगला क्वेश्चन यहां पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपसे यहां पर पूछा गया है बच्चन अनुसार बताना है राहुल बील का अर्थ क्या माना जाता है बच्चन अनुसार बताइएगा राजबिला से भूख विलास से भाव प्रधान है कोई नहीं है एक सौ तिरासी में आपके लिए चयन करना है महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है बच्चन अनुसार बताना है तो आपका यहाँ पर एक सौ तिरासी में सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर है राजविलास माना जाता है क्या माना जाता है राजविलास आपका विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा बिल्कुल सही बहुत बढ़िया सभी लोगों ने राजविलास जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा प्रथम बार किस रचना में नक्सिक वर्णन किया गया है एक सौ चौरासीवा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भाई रचना आपके लिए बताना है कौन सी भाई रचना जिसमें पहली बार पहली बार नख वर्णन किया गया है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है एक सौ तो चौरासी में राहुल बेल है उक्ति व्यक्ति प्रकरण है वर्ण रत्नाकर है कोई नहीं है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है चौरासी में राहुल बेल विकल्प नंबर ये जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है राहुल बील एक इनकी रचना मानी जाती है बताइए राहुल बील विशाल जी अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा उक्ति व्यक्ति प्रकरण बताने के सती की रचना मानी जाती है उक्ति व्यक्ति प्रकरण चयन कीजिएगा दसवीं बारहवीं चौदहवीं या फिर सोलहवीं सती की रचना है किस सती की रचना मानी जाती है सभी लोग चयन कीजिएगा राव उक्ति व्यक्ति प्रकरण बताना है <coughs> और आप सभी लोगों का सही आंसर आ रहा है युक्ति व्यक्ति प्रकरण तो जो है ये मानी जाती है कि, किस सती की रचना राहुल बेल तो रोडा कवि की रचना है यहाँ पर सही आंसर है अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया तो एक सौ क्वेश्चन यहां पर दिया क्या है देखिए एक में आपसे पूछा किसने अमीर खुसरो को अवधि का प्रथम कवि माना है अमीर खुसरो को बताना है रामचंद्र शुक्ल ने राम कुमार वर्मा ने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर गणपति चंद्र गुप्त ने बताइए किसने अमीर खुसरो को अवधि का प्रथम कवि माना है एक सौ छियासी में आपके लिए चयन करना है एक सौ छियासी में आपका सही आंसर आ रहा है कि वह माना है कि उन्होंने राम कुमार वर्मा ने राम कुमार वर्मा होगा पिंकी जी राजन जी सही आंसर बहुत बढ़िया सभी लोगों ने यहाँ पर जिन्होंने भी बताया है अमीर खुसरो जो पहलियाँ मुकरियाँ लिखने के लिए जाने जाते हैं अमीर खुसरो अवधि का प्रथम कवि डा जो है राम कुमार वर्मा है उन्होंने ही माना है बी वाला विकल्प सही आंसर होगा डोला मारूरा दुहा की नायिका का नाम बता दीजिएगा क्या नाम है बताइए मालवड़ी है मारवाड़ी है या फिर पार्वती है राजमती है क्वेश्चन महत्वपूर्ण है सतासीवा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और सतासी में आप सभी का सही आंसर है डोला मारूरा दुआ की नायिका का नाम पूछा गया है तो नायिका का नाम है मारवाड़ी मारवाड़ी आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा जो कि सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताया है बिल्कुल सही एंग्ल क्वेश्चन यहाँ पर अठासीवा क्वेश्चन पूछा गया है बाला था जब सबको भाया ये पंक्ति किसकी मानी जाती है बताइए क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर अठासी पूछा गया मधुकर कवि की पंक्ति है अमीर खुसरो की पंक्ति है जयचंद की पंक्ति है या फिर विजयसेन सूरी विजय सेन की पंक्ति है बाला था जब सबको भाया वाया डे डे पंक्ति किसकी मानी जाती है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है ये पंक्ति मानी जाती है अमीर खुसरो की अमीर खुसरो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर बी जो है भाई आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर दो आपका सही आंसर है बिल्कुल सही अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर आपसे एक सौ नवासी पूछा ज्योतिष और ठाकुर किस भाषा के कवि थे बताइए ज्योतिष और ठाकुर आपके लिए बताना है ज्योतिष और ठाकुर जो है किस भाषा के कवि थे इनकी एक रचना मानी जाती है ज्योतिष और ठाकुर की कौन सी वर्ण रत्नाकर कौन सी वर्ण रत्नाकर जो की पूछी जाती है वर्ण रत्नाकर ज्योतिष और ठाकुर की रचना मानी जाती है और ये मैथिली की है अपभ्रंश की है ब्रज या फिर सभी इनकी भाषा पूछा है वर्ण रत्नाकर की नहीं यहाँ पर ज्योतिष और ठाकुर किस भाषा की कवि थी पूछा है तो ये जो है मैथिली भाषा की थी विकल्प नंबर आपका एक सही आंसर है वर्ण रत्नाकर इनकी रचना जो कि महत्वपूर्ण प्रसिद्ध रचना मानी जाती है भक्ति साहित्य से वास्तव वास्तविक हिन, हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है ये कथन किनका माना जाता है किसने कहा है जी भक्ति साहित्य से वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी हजारी प्रसाद द्विवेदी रामविलास शर्मा राम कुमार श्याम सुंदर दास एक सौ नब्बे में आपको चयन करना है तो एक सौ नब्बे में आपका सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा क्या है सही आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा बहुत बढ़िया बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेगा हिंदी कोवेद रत्नमाला उन्नीस सौ नौ ईस्वी की रचयिता कौन मानी जाती है हिंदी कोवेद रत्नमाला बताइएगा अपन ने याद किया था इसकी रचयिता आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन माने जाते हैं श्याम सुंदर दास हैं राम कुमार वर्मा हैं नामबार स हैं नलिन बिलोचन शर्मा हैं एक सौ इक्यानवेवा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और एक सौ इक्यानवे में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि हिंदी कोविद रत्नमाला की रचियता श्याम सुंदर दास मानी जाती है अब हिंदी कोविद रत्नमाला जो रत्नों की माला होगी वह कैसी होगी सुंदर होगी तो सुंदर से क्या होगा श्याम सुंदर दास रत्नमाला से हिंदी कोविद रत्नमाला इस प्रकार विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर होगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हिंदी काव्यधारा के की रचयिता कौन मानी जाती है एक सौ बानबे में आपको बताना है एक सौ बानबे में आप सभी का सही आंसर हिंदी काव्यधारा की रचयिता मानी जाती है कौन तो आप सभी का सही आंसर आ रहा है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी श्याम सुंदर दास राहुल शांत यशिव कुमार शर्मा एक सौ बानबे में चेंज करना है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है राहुल सांकृत्यायन यहाँ पर सही आंसर है राहुल सांकृत्यायन आपका सही आंसर यहाँ पर 1907 भी दिया रहता है कहीं कहीं पर 1907 माना जाता है वैसे तो 1907 आपका सही आंसर है यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर राहुल शांक्रत्यन नीतू जी बिल्कुल सही राहुल शांक्रत्यन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा उदंत मारतंण्ड किस वर्ष प्रकाशित हुआ एक सौ तिरानबे में आपको चयन करना है कई बार अपन इसको पढ़ चुके चुकी है अठारह सो दस में अठारह सो बीस में अठारह सो छबीस में कब प्रकाशित heard... हुआ किस वर्ष प्रकाशित हुआ उदंत मारतंण्ड बताना है तो आप सभी का सही आंसर आ रहा है क्या रहा है सही आंसर तो बिल्कुल सही आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर डी जो है वह आपका सही आंसर होगा डी यानी कि सो छब्बीस है सॉरी अठारह जो है वह आपका सही आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर चार आपका यहाँ पर सही आंसर उदंत मार्तंड 1826 में प्रकाशित हुआ बिल्कुल सही अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेगा गारसा तासी द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा गया था बताइएगा क्या होगा सही आंसर एक सौ चौरानबे व क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अंग्रेजी में हिंदी में फ्रेंच में या फिर जर्मन में तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आप सभी का क्या होगा सही आंसर गारसाद तासी द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा गया था तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा यहाँ पर फ्रेंच बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि विकल्प नंबर जो सी वाला विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा तो बिल्कुल <laughs> सही आंसर बताया है फ्रेंच आपका सही आंसर होगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपसे एक सौ पंचानवे पूछा गया है क्या पूछा है सुनीति कुमार चटर्जी ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को कहा है क्या कहा है बताइएगा प्राचीन कोशली का है नवीन कोसली का है ब्रज कहा है सभी कहा है तो एक सौ पंचानबे में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है इन्होंने कहा है सुनीति कुमार चटर्जी ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को प्राचीन कोशली क्या कहा है प्राचीन कोसली आपका विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा अगला क्वेश्चन देखिएगा द्वंद्वात्मक पद्धति पर इतिहास के अध्ययन का विचार किसने दिया था बताइए कौन थे हीगल ने लार्बेन ने कॉल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति पर इतिहास के अध्ययन का विचार किसने दिया था 196 में आपके लिए चयन करना है तो 196 में आप सभी का साधना जी और मनीषा जी प्रीति जी एमएस वर्मा जी सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा यानी कि हीगल ने हीगल आपका सही आंसर है विकल्प नंबर बी द्वंदात्मक पद्धति पर इतिहास के अध्ययन का विचार हीगल ने दिया था विकल्प नंबर दो जो है वह आपका सही आंसर यहाँ पर होगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है एक सौ है साहित्य इतिहास लेखन में किस तत्व का महत्व नहीं है तथ्यों का यथार्थ वर्णन वस्तुपरक दृष्टिकोण निष्कर्षों की प्रमाणिकता या कल्पना का प्रयोग एक सौ संतानबे में चयन करना है साहित्य इतिहास लेखन में किस तत्व का महत्व तो नहीं है तो आप सभी का सही आंसर है कल, कल्पना का प्रयोग विकल्प नंबर आपका क्या है? सही आंसर जो डी वाला है वह आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर चार आप सभी का सही आंसर होगा बिल्कुल सही विकल्प नंबर चार जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी देखिएगा कॉलेज जो है इसकी स्थापना हुई थी कहां पर कलकत्ता में कहाँ पर ने कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी किस वर्ष हुई थी ये पूछा गया है तो आपका सही आंसर है अठारह में अठारह सो एक सो सो में क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और ठानबे में आप सभी का सही आंसर आ रहा है अठारह सौ ईस्वी में जो है कलकत्ता में पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर है पोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे बताइएगा क्या होगा सही आंसर चयन कीजिएगा तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है तो एक सौ में चयन कीजिएगा क्वेश्चन महत्वपूर्ण पोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक आपसे पूछा गया है कौन तो माने जाते हैं तो आप सभी का सही आंसर होगा एक सौ निन्यानबे में लाइक अवश्य कर लीजिएगा सभी लोग एक सौ में आप सभी को बताना है तो विकल्प नंबर एक सही आंसर है मार्कबस बेले चली आपका सही आंसर होगा बेल जली जो है पोर्ट विलियम कॉलेज के क्या माने जाते हैं संस्थापक माने जाते हैं विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक जो है आपका सही आंसर होगा <coughs> अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 200 पूछा गया है हिंदी का पहला समाचार पत्र बताना है कौन सा माना जाता है 200 में आपके लिए चयन करना है क्या होगा सही आंसर हिंदी का पहला समाचार पत्र बताइए मारतंड उदंत मार मारतंड है उदंत मारतंड है, है वंगदूत है पयामी आजादी है दो सौ बार क्वेश्चन हैं और आप सभी का सही आंसर है लक्ष्यता शर्मा जी क्या होगा सही आंसर हिंदी का प्रथम पहला पत्र माना जाता है उदंत मार्तंड। कौन सा माना जाता है उदंत मार्तंड? आपका सही आंसर होगा बिल्कुल सही आंसर है द्वंदात्मक पद्धति पर इतिहास के अध्ययन का विचार किसने दिया था तो एक क्वेश्चन था और आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा यहां पर हीगल ही आपका यहां पर सही आंसर होगा हीगल आपका सही आंसर यहां पर है हीगल आपका सही आंसर होगा यहां पर विकल्प नंबर भी ही आपका सही आंसर है अगला क्वेश्चन यहां पर यहां पर एक और क्वेश्चन था देखिएगा कौन सा क्वेश्चन है यहां पर दिया क्या है ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर एक नरपति नाल्यकृत बीसल देव राशो में कितने छंद हैं? इसमें छंद आपसे पूछा गया था तो आप सभी का क्या होगा सही आंसर चयन कीजिएगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां पर दिया गया है और आप सभी का क्या होगा सही आंसर बीसल देव रासों में कितने छंद हैं तो आपका यहां पर सही आंसर है कि क्या था इसका सही आंसर विशलदेव राशो में कितने छंद हैं ये पूछा गया है तो 125 सौ पच्चीस ये तो आपका जो है सही आंसर होगा 125 आपका सही आंसर होगा तो सभी के लिए बहुत ही ए, ए, जो है बहुत बहुत धन्यवाद लाइक से से कर लेंगे सभी लोग हाँ वहां पर जो है हीगल और ए, मार्क्स जो है दोनों द्वंदात्मक भौतिक वाद्य से जो, जो है जुड़े हुए हैं तो यहां पर आपका दोनों विकल्प में दिया है और तो यहां पर ए यहां पर देखिए द्वंदात्मक पद्धति पर इतिहास के अध्ययन का विचार किसने दिया है विचार पूछा है तो यह विचार जो है हीगल ने दिया हीगल आपका सही आंसर होगा हीगल ने विचार दिया वह सिद्धवंदात्मक जो सिद्धांत है वह तो काल मार्क्स का माना लेकिन विचार जो दिया वह हीगल ने दिया है जी वाला विकल्प आपका सही आंसर है तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को यहाँ पर लाइक कर लें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें रोज आपके लिए क्लास लाई जाती है अंश जी राबिता जी कंचन जी साधना जी हेमलता जी स्टेटस वाई आर आर जी दीपक जी कल्पना जी राखी जी सुनैना जी नीतू गुप्ता जी और राखी जी प्रीति जी सरोज जी यहाँ पर छप्पन छंद नहीं पूछा यहाँ पर आपसे जो है डायरेक्ट ये पूछा गया है कि कितने छंद हैं यहाँ पर 216 वाला विकल्प आपका यहाँ पर दिया नहीं है नरपति नाल्य कृत विशल देव में कितने छंद हैं तो 125 आपका जो है सही आंसर होगा नारती वर्मा जी सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद छप्पर छंद नहीं पूछा है आपसे तो सभी के लिए इसी तरह से जुड़े रहना है वीडियो को लाइक से अभश्य कर लेना है आज के वीडियो में बस इतना